जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में चुनाव पर जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि आयोग ने 16 तारीख कार्यक्रम घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे, जिसमें पहले चरण में 7 जिले, दूसरे चरण में 6 जिले और आखिरी चरण में 7 जिलों में मतदान होंगे। पहला चरण साउथ कश्मीर के 4 जिलों और डोडा के 3 जिलों में होगा। 18 तारीख को मतदान होंगे। सभी पोलिंग बूथ पर बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं दी हैं। 209 नए पोलिंग स्टेशन बने हैं और 200 के करीब पोलिंग बूथ की लोकेशन भी बदली गई है। महिला पुरुष के लिए अलग अलग कतारें होंगी। बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था होगी। हर पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। तकरीबन 88 लाख वोटर हैं, जिनमें से 44.89 पुरुष और 43.83 लाख महिला वोटर हैं। 163 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। ऑनरेबल कमीशन ने 16 तारीख को तकरीबन एक हफ्ता पहले शेड्यूल अनाउंस किया है जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का। जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर के 3 फेजेस में इलेक्शंस प्लान्ड है। उसमें फर्स्ट फेज में 7 जिले होंगे, सेकंड फेज में 6 जिले होंगे और लास्ट के फेज में जो है फिर 7 जिले हैं। फर्स्ट फेज जो है साउथ कश्मीर के 4 जिले और डोडा के जो 3 जिले हैं उनमें होने जा रहा है, जहां आपको 18 तारीख को फर्स्ट का पोल डेट रहेगा। नॉमिनेशंस जो है शुरू हो गए हैं। 20 तारीख से 27 तक लास्ट डे है नॉमिनेशंस की। जहां तक सुविधाओं की बात है, हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज रखी है। अभी स्पेशल समरी रिवीजन हुआ, जिसमें हमने 209 पोलिंग स्टेशन नए क्रिएट भी किए हैं और तकरीबन जो है 200 के करीब पोलिंग स्टेशंस के लोकेशंस चेंज भी किए। कहीं बिल्डिंग जर्जर थी, खराब थी, फैसिलिटीज की कमी थी, पॉलिटिकल पार्टीज को लगता था कि नहीं कहीं सेंट्रलाइज्ड लोकेशन कोई दूसरा होगा, तो उस हिसाब से उनको कंसल्ट करते हुए उनके साथ बकायदा मीटिंग लेकर के जो है डीसी से प्रपोजल आया, कमीशन से अप्रूवल लिया और उसके बाद वो नए पोलिंग स्टेशन या पोलिंग स्टेशन के लोकेशंस में तब्दीली किए, ताकि मैक्सिमम लोग जो है अपने पोलिंग स्टेशन तक आसानी से पहुंच सके। हर एक पोलिंग स्टेशन पर, जैसे मैंने कहा कि बेसिक फैसिलिटी रहेगी, पानी बिजली रैंप की सुविधाएं रहेगी, शेड रहेगा दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए सेपरेट क्यू रहेगी। कहीं अगर कुछ बुजुर्ग आता है, स्पेशल एबल्ड पर्सन पोलिंग स्टेशन पर पोल करने के लिए आता है, तो उनके लिए क्यू हम सेपरेट कराएंगे ताकि वो जल्दी जल्दी वोट कर सके। दोनों के लिए, मेल एज वेल एज फीमेल के लिए वॉलंटियर्स रहेंगे। नॉर्मली उसी गांव की जो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, वो वहां वुमेन्स के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करेगी और मेल के लिए जो है उसी गांव का जो स्कूल में कोई